बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये मैं आज फिर आया हूँ अब्बा जी के साथ चारा गाड़ने के लिए। तो गर्मी पहले की तरह है, लेकिन आज कुछ हवा चल रही है तो इसलिए कम महसूस हो रही है। पट्ठे तकरीबन काटे जा चुके हैं, सिर्फ मैंने डालने हैं अभी, और फिर वो रक्षे वाला आता है वही लेके जाता है। ये मैंने कल भी बताया था, ये फैक्ट्री वालों की है ज़मीन, तो आज इधर झोना वगैरह खिला रहे हैं। ये देखें, ये इनकी टीम लगी हुई है फैक्ट्री वालों की। मेरी अभी वापसी की तैयारी है, क्यों आज जुमे का दिन है, छुट्टी इतनी मिलती है मुझे, तो बस तैयारी मेरी हो चुकी है। ये देखें ये लैपटॉप बैग है, तो बस यही लेके आया था और कुछ भी नहीं लेके आया था, तो अब लेके भी सिर्फ यही जाएंगे। क्यों सामान मैं उधर से ही नहीं लेके आता हूँ, क्यों उठाने की आदत नहीं है, बहुत कम सामान उठाता हूँ मैं, कभी मजबूरी हो तो उठा लेता हूँ, वरना फिर ऐसे ही आता हूँ और जाना भी फिर ऐसे ही है। तो बस अभी निकलते हैं। अभी तकरीबन अभी मियाँ चन्नू से निकले हम, तो तकरीबन काफ़ी टाइम लगेगा अभी भी, अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। गाड़ी तो ठीक जा रही है, चीचावत नहीं पहुंची है, तो 1.5 घंटा और लगेगा आगे पहुंचने में। तो पीछे से बहुत ज़बरदस्त आ रही है, कहीं भी बहुत कम ब्रेक लगी है इसकी, तो गर्मी भी काफ़ी लग रही है इसमें। मुझे पहुंचे को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो आज तो बस कर दी बस वाले ने, क्यों शुरू में ठीक आई है, तो जब चीचावत नहीं पहुंची है उसके बाद पता नहीं क्या उसको बीमारी पड़ी है, तो आगे उसने अपनी पूरी कसर निकाली है पिछली, और 1.25 घंटा लेट हुई है, तो बस थकावट उसी की वजह से काफ़ी हो रही है। तो अब दिल कर रहा है बस सोने को, तो मैं बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त हो, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।